नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग ने कुरुक्षेत्र गुरुकुल स्कूल में एक व्यक्ति की जगह पेपर देने के मामले में दूसरे को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अपने मामा की जगह पुलिस परीक्षा दे रहा था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने जांच के दौरान आरोपी को काबू किया। आरोपी गढ़ी सांपला का रहने वाला है। आरोपी के मामा का नाम आशीष और आरोपी का नाम अमित है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं फतेहाबाद में जिला प्रशासन की ओर से साइकिलिंग की खिलाड़ी छात्रा सुलोचना को 10,000 की आर्थिक मदद की गई। जिला उपायुक्त जय किशन अबीर नहीं योजना को यह राशि भेंट की है। पिछले दिनों नेशनल लेवल की साइकिलिंग प्रतियोगिता के दौरान सुलोचना की साइकिल टूट गई थी, लेकिन टूटी हुई साइकिल के साथ भी सुलोचना ने प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया। छात्रा खिलाड़ी के हौसले को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब इस छात्रा की साइकिल को ठीक करवाने का बीड़ा उठाया है। आज प्रशासन की ओर से सुलोचना को साइकिल ठीक करवाने के लिए 10,000 की आर्थिक मदद की गई। जिला उपायुक्त का कहना है कि अगर साइकिल को ठीक करवाने के लिए और खर्चा आता है तो वो भी वहन किया जाएगा। साइकिलिंग के खिलाड़ी हूँ और नेशनल के अंदर मेरे फोर्थ पोजीशन आई थी। जी, फोर्थ पोजीशन किस वजह से रही, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? साइकिल खराब होने के कारण। तो अब क्या मदद मिली है प्रशासन की ओर से आपको? मेरे को 10,000 रुपये मिले हैं डीसी साहब से साइकिल ठीक करवाने के लिए। तो आगे क्या करेंगे पैसों का, आप क्या आ जाएगा आपका? साइकिल ठीक हो जाएगी सर। तो इससे पहले भी आप साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं? यस सर। क्या कुछ इनाम हासिल किया पहले आपने? इनाम तो नहीं मिले सर आज तक एक भी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट ही देते हैं वो मेरे पास है नेशनल तक के, स्टेट के और ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के। तो कोई मदद नहीं मिली सरकार से आपको? नहीं सर, कुछ भी मदद नहीं मिली मेरे को। ये मदद एक खिलाड़ी की गई है, साइकिलिंग की सुलोचना एक बच्ची है जो साइकिलिंग में हिस्सा लेती रहती है प्रतियोगिता में, और उसका कहना था उसे एक साइकिल इनाम में मिली थी, पर उसके कुछ गियर और वो इस टाइप की थी वो ख़राब हो गए हैं, उसमें कम से कम 10-11 हज़ार का खर्चा आना है और मैं असमर्थ हूँ उसको करने में। हरियाणा सरकार भी जो है ना बच्चियों के लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत कोशिश कर रही है अब, क्योंकि वैसे तो कोई इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को या इसको ठीक करने का प्रोविज़न नहीं है, तो हमने कहा चलो हम अपनी तरफ से बच्ची ने इतनी हिम्मत दिखाई है और वो इसमें साइकिलिंग में हमारे ज़िले का नाम रोशन कर रही है, उसने कई जगह भाग लिया है तो उसको मदद मिलेगी, इसलिए हमने 10,000 रुपीज़ का जो है ना अपनी तरफ से हेल्प करवा दी है ताकि उसको कम से कम खेलने में उसमें दिक्कत ना आए। तो हमारा ये, हम तो प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि जिनको जो एक्चुअल में रियल अचीवर्स हैं और उनको अगर कोई मदद मिलती है तो वो हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे, हमारे प्रदेश का करेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। तो बच्ची को, सुलोचना को हमने अपनी तरफ से बधाई दी है कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, हमसे जितना भी हेल्प हो सकेगी वो जिला प्रशासन या अदरवाइज कहीं भी सामाजिक लोगों से भी कहीं अगर हमें कहना पड़ा तो ये एक प्रोडक्टिव जो है ना काम होते हैं, इससे जिले की इज्जत बनती है, हम उसको जारी रखेंगे जहां जहां पॉसिबल। बात फतेहाबाद की ही, फतेहाबाद की भट्टू कला थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी में भेड़ बकरियां चोरी करके ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और करीब आधा दर्जन भेड़ बकरियां बरामद की हैं। मामले के जांच अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि भेड़ बकरियां चुराने वाला यह गैंग मवेशी चोरी करने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता है ताकि किसी को शक न हो। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भट्टू थाना क्षेत्र के गांव मेहूवाला से भेड़ बकरियां चोरी होने की एक मामले में छानबीन करते हुए गांव ददौली के रहने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को एक स्विफ्ट कार बरामद हुई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह स्विफ्ट कार में भेड़ बकरियां चोरी करके ले जाते हैं और उन्हें आगे काट कर बेच देते हैं। ये 12 महीने से चोरियां कर रहे हैं जी, रात के समय करते हैं चोरियां। ये मेवाड़ा से गिरी थी राजा राम अमर सिंह वाल्मीकि घर से, 3 बेटे और 3 बकरियां चोरी करके ले गए थे स्विफ्ट गाड़ी में। इस पर FIR दर्ज की गई थी, तफ्तीश के दौरान ये पकड़े गए हैं। तो क्या बताया इन्होंने पूछताछ के अंदर? इन्होंने कई चोरियां कबूल करी है जी, 2 चोरियां तो, एक चोरी तो हमारे मेवाले से करी, वह कबूल करी, एक चोरी नाथूसी चौकटा से करी थी, 15-16 बेटे बकरियां चोरी थी, और गांधी से करी बादरा के पास, गांधी गांव पड़ता है वहाँ से करी थी, 40-45 भेड़ बकरियाँ चोरी करी इन्होंने। तो क्या कारण जब तक की गई उनको गिरफ्तार कर लिया जी, उनसे तीन
तीन बेड़े बरामद की है, एक शिफ्ट गाड़ी बरामद कर ली है, इसमें 4 रुपया ही 2 गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी भी तलाश है। वहीं दिल्ली में नाइजीरियन से हेरोइन सप्लाई लेकर सिरसा जा रहे 3 युवकों को फतेहाबाद की CIA स्टाफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को फतेहाबाद के गाँव मेहूवाला के समीप सरबपुर रोड से गिरफ्तार किया है और 3 के कब्जे से पुलिस को 110 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। DSP उमेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम की पूछताछ में 3 आरोपी सिरसा जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। 3 ने पूछताछ में बताया कि ये नशे के आदी हैं और दिल्ली में द्वारका में रेलवे ब्रिज स्तंभ के पास किसी नाइजीरियन से हेरोइन सप्लाई लेकर आए थे। हेरोइन सप्लाई लेकर ये लोग सिरसा जा रहे थे और इसमें वो फतेहाबाद में किसी जानकार के यहाँ रुकने वाले थे। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने 3 युवकों को 110 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। DSP ने बताया कि 3 को आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ ये 3 को रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कल हमारे फतेहाबाद की CIA पुलिस ने मेहवाड़ से सरवलपुर रोड पर 3 नौजवान लड़कों को काबू करके उनसे 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। 3 ही आदमी थे, इन्होंने दिल्ली से लाए थे, ये अपने द्वारका के पास को रेलवे के जो स्तंभ बने हुए हैं उनके पास किसी नाइजीरियन से लाए थे। ये 3 पैदल ही थे और अपनी उसमें जेब में थे, ये किसी के पास यहाँ आके इन्होंने रुकना था और वहाँ से आगे इन्होंने जाना था। तो कहाँ ले जा रहे थे ये जी? अपने गांव में लेके जा रहे थे, वहाँ कुछ पीते हैं कुछ बेच देते हैं, पीने के आते हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आज ये अदालत में पेश हो गए, जो पुलिस रिमांड लेगी इनका, फिर आगे की जांच करेगी। बढ़ते आगे, CM फ्लाइंग टीम और फतेहाबाद पुलिस टीम ने रविवार को आयोजित हरियाणा पुलिस के सिपाही पद की सिपाही पर फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वाले गैंग का खुलासा किया है। मामले में सिटी फतेहाबाद थाना में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें 1 आरोपी फतेहाबाद जिले के गांव सिरढ़ान का रहने वाला है, जबकि 3 आरोपी चरखी दादरी जिला के बाढ़ा के रहने वाले मालूम हुए हैं। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गैंग की परीक्षा में सक्रिय होने की जानकारी मिलने पर CM फ्लाइंग टीम और पुलिस टीम ने फतेहाबाद और हिसार की परीक्षा सेंटरों पर छापेमारी की और हिसार में पुलिस टीम को फर्जी परीक्षार्थी के बारे में पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपी सुनील से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में उक्त सभी 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जी एक अपने श्री विक्रमजीत इंस्पेक्टर CM फ्लाइंग स्क्वाड हिसार से शिकायत प्राप्त हुई है कि एक सुनील वासी किरणान का लड़का है, उसने विक्रम दादरी साइड के लड़के की जगह बैठ कर और उसके डॉक्यूमेंट्स प्रयोग करके और सिपाही की परीक्षा क्रिसेंट स्कूल करातीखड़ा रोड फतेहाबाद में दी थी। तो सर क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई मामले में? इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग अंकित कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है जी। अंडर सेक्शन वगैरह क्या किए गए सर? इसमें अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468, 471, 120BIPC के तहत अभियोग अंकित किया गया है। शिकायत में जो आरोपी हैं सर उनकी क्या पहचान बताई गई है? उनमें पहचान बताई गई है एक अनूप, अमित और सुरेंद्र है, ये बाडा के हैं जिला चरखी दादरी के, और विक्रम है, और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत पैसों की बातचीत करके और ये परीक्षा दी है विक्रम की जगह। वही खबर झज्जर से है। रोहतक रेवाड़ी हाईवे उस समय खूनी रूप ले बैठा जब कोहरे की वजह से करीब 50 वाहन आपस में भिड़ गए। दरअसल बादली बाईपास के पास हुए हादसे में सबसे पहले एक क्रूजर गाड़ी और डंपर के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक गाड़ियां पीछे से टकराती रहीं। करीब 50 गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें 7 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 6 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद करीब 2 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी गई। 1 घंटे तक हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहगीरों की मदद से गाड़ियों में फंसे लोगों का बाहर निकल उन्हें सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। हाईवे पर लाशें पड़ी देख परिजनों की रोने की चीख चिगारी देखी नहीं जा रही थी। साथ ही हर कोई इस घटना से आहत हुआ। हादसे की सूचना के बाद सूबे के कृषि मंत्री OP धनखड़ और उपायुक्त सोनल गोयल, SDM विजय मलिक मृतकों के परिजनों और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री OP धनखड़ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख देने की घोषणा की।
वहीं अनाज मंडी चीका स्थित मार्केट कमेटी में किसानों और आढ़तियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड से जूनियर प्रोग्रामर आशीष कुमार, ऋषि राज एनएफसीएल हेड ट्रेनर के जरिए मार्केट कमेटी चीका में आढ़तियों और किसानों को ई ट्रेंडिंग का राष्ट्रीय पोर्टल से ज्यादा विकल्प, ज्यादा मूल्य, ज्यादा फायदे के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऑनलाइन फसल बेचने खरीदने के बारे में परीक्षण दिया गया। शिविर की अध्यक्षता मार्केट कमेटी के चेयरमैन जहांगीर सिंह के जरिए की गई, जिसमें प्रोग्रामर आशीष, एनएफसीएल ऋषिराज, जेटली, मंडी विश्लेषक सचिन कुमार ने किसानों को ई नेम जागरूकता कैंप के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल बहुत ही फायदेमंद साबित होगा किसानों के लिए, जो कि बहुत जल्द मार्केट कमेटी में लागू किया जाएगा। और आज मार्केट कमेटी चीका में राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए किसानों को एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस प्रोजेक्ट से होने वाले उनको लाभों के बारे में बताया गया है, ताकि किसानों को उनका रुझान इस योजना की तरफ बढ़े और वो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। इस योजना का जो मुख्य आधार है वो है किसान को एक पूरे देश की मंडी की पहुँच बनाना, ताकि उसको अपनी फसल बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हो। दूसरा क्या है, उसको बेहतर मूल्य मिले। अगर किसान की जो है फसल का जो गुणवत्ता उचित है, तो उस पर व्यापारी जो लोग हैं अधिक से अधिक मूल्य लगाएंगे और उसको बेहतर विकल्प मिलेंगे। दूसरी बात क्या, उसकी पेमेंट जो है भुगतान वो भी पारदर्शी तरीके से होगा, जिससे उसको और ज़्यादा लाभ सुरक्षित तरीके से उसके खाते में आएगा। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड से आज एक टीम मार्केट कमेटी चीका कार्यालय में पहुंची और उन्होंने किसानों की और आढ़तियों की एक मीटिंग ली और उन्होंने ये बताया भी जो किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता है, धान लेके आता है, वो उसको ऑनलाइन बेचे और ऑनलाइन बेचने से सरकार की जो स्कीम है उसके खाते में सीधी राशि आएगी, ताकि सरकार को भी पता चलेगा कि हमारा जो किसान है वो जागरूक हो गया है और ऑनलाइन का प्रयोग ई नेम से करने लगा है, ताकि उसको सीधा फायदा हो, किसी भी प्रकार का कोई उसके साथ मतलब तो खतरी ना हो जाए। तो किसान ये कार्य शुरू कर रहा है और आढ़ती भी इसमें से हो कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस टीम के बिना भी मीटिंग लेकर किसानों को और आढ़तियों को, हमारा जो मार्केट कमेटी का प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो समय समय पर इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। बढ़ते आगे, महेंद्रगढ़ के मुंडिया खेड़ा पावर हाउस के अंतर्गत भालखी फीडर से पांच गांव जिनमें कौशल, कोथल खुर्द, कोथल कला, भालखी, जासवाश और भांडोर ऊंची के किसानों का गुस्सा उस समय फूटा जब उन्हें बहुत से आश्वासन के बाद भी पिछले एक महीने फसल के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिली। उन्होंने एकत्रित होकर एक्सीएन से मिलने का निर्णय लेते हुए उनके कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। फिर पर्याप्त बिजली न मिलने से नाराज किसानों ने एक्सीएन से मिल उनको अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा है कि अगर दो दिन में समाधान नहीं हुआ तो सभी किसान सामूहिक रूप से कनेक्शन कटवा कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एक्सीएन बुद्धराम ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते किसानों की बिजली सेवा बाधित हो गई थी, जिसे जल्द ठीक करवा कर किसानों को पर्याप्त बिजली सेवा दी जाएगी। ऐसे कि हमारे को लाइट पूरी नहीं मिल रही, हमारी खेती बर्बाद हो गई, तो हम सारे किसानों ने बेड़ा कहना, अगर हमारा समाधान नहीं किया गया, अगर हमारी लाइन चेंज नहीं करी गई, लाइट पूरी नहीं दी गई, तो हम अपना आंदोलन करके ना हम कनेक्शन कटवा के ना बिल नहीं भरेंगे और हम सामूहिक रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे। ये समस्या कब से चल रही है? एक महीने से प्रशासन ने आपकी समस्या का समाधान, प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, आश्वासन यही दिया है कल से देखिए, ये कोई आश्वासन को नहीं हम कर देंगे। झूठे रिकॉर्ड में आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी कार्रवाई, हमने एक्शन साहब को विज्ञापन दे दिया, अब उसके ऊपर वो अपना क्या विचार। उसमें कुछ फीडर है हमारे एग्रीकल्चर के, जो कल हमारा एक ब्रेकडाउन हो गया था, कुछ हमारे वहाँ सब स्टेशंस का काम चल रहा था, उसके कारण उन्होंने शटडाउन लिया था। तो नो डाउन, एक तो ब्रेकडाउन हो गया, एक शटडाउन हो गया, तो कंज्यूमर को परेशानी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंज्यूमर का टेलीफोन आया था, तो मैंने ये बताया जितना हम कंपनसेट हो सकते हैं वो करेंगे। तो उसके बाद हमने उसको दिन में जैसे ही कंपनसेट से उसको पार्ट में दी, हम 6 घंटे के 4 घंटे उनको सप्लाई हमें दे दी। और अभी भी हमने HVPN से बात की है, क्योंकि HVPN एक दूसरी हमारा निगम है, वो ब्रांच है हमारा, DH है वो HVPN है। तो HVPN से उनसे अधिकारियों से जो बात हुई है, JEE से या SSC से,
उनका है कि हम दो ग्रुप के तीन ग्रुप में चला देंगे, तो तीन ग्रुप में चलाने से हमें ये फ़ायदा होगा, अगर कोई मेरे फीडर ब्रेक डाउन हो गया या कोई भी हमें काम करना पड़ा तो उसको कंपनसेट नेक्स्ट ग्रुप में कर सकते हैं, तो वो मेरी बात होगी, मेरे मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में समस्या नहीं आएगी। वहीं हरियाणा सरकार के जरिए नियुक्त किए गए एक और सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर रॉकी मित्तल रतिया के पंजाब सीमा के साथ लगने गांव भुनद वास वह शहर के गणमान्य लोगों के से रूबरू हुए। इस दौरान लोगों ने पंजाब सीमा के साथ लगते गांव में वह शहर में बड़े सदर पर हो रही नक्शा तक स्वीपर शिकायत की है और नशा तस्करी पर रोक लगाने की गुहार लगाई। वहीं रॉकी मित्तल ने आश्वासन दिया है कि और पंजाब राज्य से पुलिस अधिकारियों से मिलकर संयुक्त रूप से तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान छोड़ने का आश्वासन दिया। रॉकी मित्तल ने कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ वह पूरे प्रदेश में पंजाब सीमा के साथ लगते गांवों में विशेष अभियान चलाए हुए हैं जिसमें काफी दूर तक सफलता भी मिली है। इस दौरान रॉकी मित्तल ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह कार्य कर रहे हैं और स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं गांव के लोगों ने रॉकी मित्तल के समक्ष बस समस्या और अन्य समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। पिंड दे विच नशा बहुत ज्यादा हो रहा, गोलियां टीके समायक घट्टो घट 100-150 बच्चा इहदी गिरफ्त दे विच आया हुआ हैगा। ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੜਕੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਮੈਕ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ? ਗ੍ਰਿਫਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੈਥਲ ਕਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਜੋ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ 50-60% ਤੱਕ ਕੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਕਈ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਗਾਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਰਤੀਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰੇ अभी सारी पुलिस मेरे साथ है, DSP साहब मेरे साथ है, SP साहब से मेरी बात हुई है और वादा किया हमने ग्रामीणों से भी और पूरे रतिया के लोगों से कि जनवरी तक हम 90% पे कवर कर लें, क्योंकि नशा एक कैंसर की बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, क्योंकि इसको ख़त्म करने के लिए टाइम भी चाहिए। और जब पंजाब से तस्करी होती है तब पंजाब के मेरे सरदूलगढ़ के DSP साहब से बात हुई थी, और मैं तो एक आग्रह करना चाहूँगा पंजाब सरकार को भी कि ये आंदोलन तब तक सक्षम नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा जब तक हरियाणा पंजाब मिलकर नहीं करेंगे। वहीं यमुनानगर के उत्थान चाइल्ड लाइन में एक नूर तेज सब जग उपजा के विषय को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने जमकर मस्ती और डांस किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब एक उस ईश्वर की देन है, इसलिए दिव्यांग बच्चों से भेदभाव न करके उन्हें भी और मजबूत के साथ सब मिलकर सक्षम बनाएं। तो वहीं चाइल्ड लाइन 1098 के कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप ने बताया कि उत्थान चाइल्ड लाइन हर साल 24 दिसंबर को एक नूर सब जग उपजा इस विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हम सभी धर्म के बच्चों को प्रतीक बनाकर उनके साथ हम अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हर संप्रदाय का प्रतिनिधि रखते हैं ताकि एक संदेश जा सके कि सभी धर्म समान हैं और हम सभी को साथ लेकर चलें और सभी को साथ रहना है। उत्थान चाइल्ड लाइन हर वर्ष 24 दिसंबर को हम लोग एक नूर से सब जग उपजा इस विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हम सभी धर्म के बच्चों को प्रतीक बनाकर उनके साथ हम लोग यहाँ अपना कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व रखते हैं ताकि एक संदेश जा सके कि सभी धर्म समान हैं और हम सबको साथ मिलकर इस देश में रहना है और अपने जीवन यापन करना है और उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। बच्चे यहाँ उत्थान संस्थान की कोशिश सिखाई के जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे, उनको सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल जो बच्चे आम बच्चे हैं जो आम स्कूलों में जाते हैं उनके साथ समानता के व्यवहार को लेकर उनकी समानता को लेकर हम लोग प्रोग्राम ये कार्यक्रम करते हैं, ताकि वो बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज में अपना बराबर का योगदान दे सकें।
वहीं उकलाना में बदमाशों के हौसले आसमान को छू रहे हैं, जिसके चलते उकलाना में बदमाश किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल एक किराना स्टोर चलाने वाले राधेश्याम नामक व्यापारी को बदमाशों ने सरेआम पीटा और नाजायज हथियार लहराते हुए निकल गए, जिसकी सूचना उकलाना पुलिस स्टेशन में दी गई तो पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कही। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राधेश्याम व्यापारी ने बताया कि वह अपनी दुकान से घर जा रहा था कि एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आए और उन पर पिस्तौल दी और उनके पास जब कुछ न मिला तो पीछे से ईंट मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद वे बेहोश हो गई। इस पूरे मामले पर उकलाना के SHO कृष्ण कुमार ने कहा है कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता की शिकायत पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। करीब 8 बजे के आसपास ये हमारे वारदात हुई है, एक करियाना व्यापारी श्यामलाल के साथ 3 आदमी बताए गए हैं, जो कि एक तो 32 बोर की रिवाल्वर के साथ था, जो 2 गोली बाद में बरामद हुई है आजू बाजू में, और SHO ने अच्छा रिस्पांस दिया है। रात को भी मतलब अच्छा उसने हॉस्पिटल में लेके गया साथ में, फिर घर छोड़ के गया है, और आज सुबह दोबारा मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले SHO साहब से, तो अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी, हम अपनी पूरी तहकीकात से कर रहे हैं कोशिश और जल्दी ही आप कोई ना कोई रिजल्ट आपको देंगे। लग रहा था 7:45 बजे के लगभग और घर जाने लगा था, रास्ते में आस्ते जाते जाते पीछे 3 बंदे आए, आते ही उनकी मेरे साथ में समझ लो लूटने की कोशिश लगा लो, आते ही क्या है क्या नहीं कराया, उसके बावजूद एक ना आके ईंट मारी मेरे खोपड़ी में, उसके बाद में बेहोश हो गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस लग रही है कार्रवाई, पुलिस से बात हुई थी। और क्या कोई सुराग लगा अभी तक? ना भी कोई सुराग नहीं। रात को करीब 8:30 बजे राधेश्याम नाम का अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहा था पैदल पैदल, और एक सुनसान सी अंधेरा सा है वहाँ पर, वो बता रहे अभी मेरे को 3 लड़के आए, उन्होंने मेरे लिपट के कह जो कुछ पैसे पुसे दे मेरे को, उसके सिर में ईंट मारी है, उनके पास हथियार भी है, उसकी स्टेटमेंट पर उसकी दरखास्त के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, टीम बना दी है, जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे। किसकी धारा इधर मामला दर्ज हुआ है? जो चीज धाराएँ थी 394 बढ़ते आगे। रादौर के गांव घेसपुर से लापता युवक का शव गांव के ही पास खाली पड़ी भूमि पर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के गले पर चोट के निशान पाए जाने से ग्रामीणों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और मामले में साक्ष्य जुटाए। सरपंच पति प्रमोद मेहता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक देर शाम से लापता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें शक है कि युवक की हत्या गला दबा कर की गई है और इस वारदात को 3-4 युवकों ने अंजाम दिया। वहीं DSP अजय राणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। मेरे को तो दुकान पे फोन गया था जी 10:30-11 बजे के बीच, भाई ऐसे ऐसे गांव का एक लड़का, भाई सोरन का लड़का यहाँ पड़ा, तो मैं साथ के साथ पैलेस में गया जहाँ पे हमारा काम चल रहा था, वहाँ पे सोरन जो है काम करता है जी, मैंने इसको बिठाया और सीधा यहाँ पे आ गया। मैं देखा तो इसका लड़का था बस, और क्या काम करता है लड़का? ये दिहाड़ी करता था जी मिस्त्री, 24 साल की उम्र है जी। शादीशुदा नहीं? शादीशुदा नहीं, संदीप नाम का लड़का है जी, है संदीप सनोप सोरन। तो परिजनों को किसी के ऊपर शक है अभी, जैसे मारा गया इसको या कैसे? अब ये तो देखो जी परिजन नहीं बता सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ना। सूचना मिलने पर हम यहाँ आए हैं, एक संदीप लड़का है, संदीप सन ऑफ सोरन लाल, गांव घेसपुर, यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी है और डेड बॉडी देखने से अभी कोई इसका पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन हमने अपनी SOC टीम और हम अभी जांच कर रहे हैं, इसकी जैसी भी कार्रवाई होगी उसके बाद फिर आपको सूचित किया जाएगा। वहीं बात बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ में नगर परिषद अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में तो काम करवाता है, लेकिन जो पार्षद नगर परिषद के कामों पर उंगलियां उठाता है उसके वार्ड में काम नहीं करवाए जाते। दरअसल वार्ड नंबर 30 से महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीना राठी नगर पार्षद हैं। नीना राठी ने हालांकि चेयरपर्सन शीला राठी का नाम चेयरपर्सन के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए।
इसका नतीजा ये हुआ कि वार्ड नंबर 30 में गलियों, नालियां और सीवरेज की व्यवस्था बदहाल हो गई और उसके समाधान के लिए नगर परिषद में बार बार गुहार लगाई गई, लेकिन परिषद ने कोई समाधान नहीं किया। हारकर वार्ड नंबर 30 की पार्षद नीना राठी ने अपने निजी कोष से ही वार्ड की दो गलियों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा करवा दिया है। समस्या थी पानी की, तेरी समस्या थी कि मेरे किचन में पानी वापस जाता था, गंदा पानी, और बड़ी परेशानी थी। दिन रात हमें पानी तसले में उठ उठ कर डालना पड़ता था, बाहर नहाने का भी, बर्तन साफ करने। नगर परिषद में शिकायत नहीं की थी? नगर परिषद में तो नहीं की, लेकिन हमने तो पार्षद को ही की थी। क्या हुआ? तो पार्षद ने ही अपने नगर परिषद में बोला था, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो इन्होंने खुद अपने पैसे से गली बनवाई। चार गलियों में यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी सीवर की, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोगों के घरों में पानी आ रहा था। बार बार इसके लिए हमने कंप्लेंट की है, लोगों ने इकट्ठे होके भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते जैसा कि मैंने अपने वार्ड वासियों को एक वादा किया था कि जब तक मैं इस वार्ड से पार्षद हूँ लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होगी, तो मैंने ये लोगों के सम्मान में इन चार गलियों में अपने निजी कोष से पाइप दबवाए हैं, सीवर का काम करवाया है, क्योंकि हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। नाउम्मीद होकर मैंने लोगों से किए हुए वादे को आज पूरा किया है, क्योंकि आज मैं जहां खड़ी हूं इन लोगों की वजह से हूं। इन लोगों ने इतना मुझे मान सम्मान दिया था, इस वजह से आज मैंने उनके सम्मान के बदले उन्हें आज एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए ये थोड़ी सी सहायता मैंने की है। बढ़ते आगे, गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान रामपाल चहल ने कहा है कि भालसो शुगर मिल की तरफ गन्ने का बकाया भुगतान 11 करोड़ किसानों का देना निकलता है, लेकिन मिल मालिक ने अभी तक किसानों की बकाया पेमेंट नहीं की। इस पर मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने किसानों को वादा किया था कि अगर मैं किसानों की पेमेंट एक हफ्ते में नहीं दिलवा सका तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मंत्री ने ना तो किसानों के गन्ने की बकाया पेमेंट दिलवाई है और ना ही अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा है कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमें गन्ने की पेमेंट चाहिए। किसानों का गन्ने की पेमेंट को लेकर धरना का चौथा दिन है और आज हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ वाले किसानों को समर्थन देने के लिए आए। हम इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम समझते हैं कि इस सरकार ने किसानों को भी और मजदूरों को और कर्मचारियों को सबको आपस में फाड़ रखा, इसीलिए वो हमारे ऊपर शासन कर रहे। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर इकट्ठे चलेंगे तो सरकार को एक बार नहीं दो बार सोचना पड़ेगा। और आज हम ये वादा भी कर रहे कि जब भी कर्मचारियों को किसानों की और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, लोक इंद्री के कर्मचारी, जो गन्ना संघर्ष समिति यहाँ धरने पर बैठी है मंत्री जी के कार्यालय के बाहर, जिनका पैसा शुगर मिल द्वारा नहीं दिया जा रहा है और लंबे समय से ये साथी संघर्ष कर रहे हैं और कर्मचारियों के अंदर भी किसानों के भी बैठे हैं, मजदूरों के भी हैं, दुकानदारों के भी हैं, तो हमने इनकी लंबी लड़ाई को देखते हुए जो संघर्ष कर रहे हैं उसका समर्थन करने का ऐलान किया था। आज हम इंद्री ब्लॉक के सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे होकर गन्ना संघर्ष समिति को समर्थन देने के लिए आए हैं और आगे भी जो इनकी लड़ाई रहेगी, जैसे भी हमारी जरूरत इन साथियों को पड़ेगी, किसानों को, कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के चलेगा, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। आरडीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया है कि प्रस्ताव संशोधन बिल सूचना के हक पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा हमला है। जनता से बिना विचार विमर्श गुपचुप तरीके से इतने लोकप्रिय कानून में मनमाने संशोधन किए जा रहे हैं। संशोधन के जरिए केंद्र सरकार देशभर के सूचना आयुक्तों के स्टेटस, कार्यकाल, वेतन, भत्तों में कटौती करके उन्हें कमजोर करना चाहती है। इससे सभी सूचना आयुक्त को केंद्र और राज्य सरकारें अपने रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित करेगी। कपूर ने कहा है कि जनता के हित में साहसिक निर्णय लेने वाले इक्का दुक्का सूचना आयुक्तों पर शिकंजा कस दिया जाएगा। आरटीआई एक्ट केंद्र और राज्य सरकारों, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं के गले की फांस बन चुका है। पीपी कपूर ने संशोधन से नाराज अन्य साथियों सहित राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर संशोधन बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। ये आज हम पानीपत जिले के तमाम आरटीआई कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक जो हैं, माननीय राष्ट्रपति को जो है हम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवा रहे हैं, जो मोदी सरकार केंद्र के अंदर आरटीआई को कुचलने के लिए एक नया संशोधन बिल लाई है, आरटीआई एक्ट 2018,
अमेंडमेंट बिल, इसका हम तमाम विरोध करते हैं, क्योंकि इसके अगर ये लागू हो गया तो इससे जो है जो आरटीआई का जो है और कुठाराघात होगा, सूचना आयोगों की जो है स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि जो अभी जो सूचना आयुक्तों को जो केंद्र के अंदर है, जो राज्यों के अंदर है, उनका 5 साल का कार्यकाल है आरटीआई के तहत, और उनका जो स्टेटस है केंद्र के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, और हरियाणा स्टेट राज्यों के अंदर जो है संबंधित हाई कोर्ट के जज के समकक्ष है, और इनको वेतन भत्ते भी जो है उसी के समान मिलते हैं। लेकिन मोदी सरकार इनके ऊपर इनके जो बचे खुचे जो पंख हैं उनको भी कुतरने के लिए इनका जो कार्यकाल और इनका स्टेटस कम करने जा रही है। उससे क्या होगा कि जो सूचना आयुक्त इनके खिलाफ फैसले देते हैं, कोई एक आध कोई सूचना आयुक्त ऐसा होता है जो अपनी जमीर से जो है एक ऐसा जनहित के अंदर फैसला देता है, उनके ऊपर भी ये लगाम कसना चाहते हैं, उनको जो है घर बिठा दिया जाएगा, उनका कार्यकाल कम कर दिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।